बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी है, जहां पर पुणे में पकड़े गए दो संदिग्ध आतंकवादी यूनिस साकी और मोहम्मद इमरान खान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इनके घर में लगे सीलिंग फैन के पाइप के अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें बम बनाने का तरीका लिखा था। महाराष्ट्र एटीएस की कार्रवाई में एल्यूमिनियम पाइप बल्ब के टुकड़े, फिलमेंट्स और दो गोली भी बरामद की गई है। बिल्कुल, आपको यह भी बता दें 18 जुलाई को पुणे के कैथरूड इलाके में बाइक चोरी के आरोप में दोनों संदिग्ध आतंकियों को पुणे पुलिस ने पकड़ा था और जब इनकी धरपकड़ के बाद बाकी की चीजें निशानदेही पर खोजी गई, तलाशी गई, तो क्या क्या मिला आपको बताते चले। सीलिंग फैन के पाइप में एक पर्ची मिली, उस पर्ची में बम बनाने का फॉर्मूला लिखा था। इसके अलावा फिलामेंट्स, दो गोली और कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें मिली जो आमतौर पर आम लोगों के पास नहीं होती है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर जुड़ गए हैं। कृष्णा, बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है और पर्ची भी ऐसी जगह छिपाई गई जहां पर कोई सोच नहीं सकता था। बड़ी प्लानिंग हो रही थी क्या किसी धमाके की? बिल्कुल, कह सकते हैं कि महाराष्ट्र एटीएस इस मामले में रोज रोज नए खुलासे कर रही है। महाराष्ट्र एटीएस के हाथों रोज रोज इस मामले में नई चीजें जो है, नए सबूत जो है वो हाथ लग रहे हैं। और आज जो ताजा अपडेट ये मिला है इस मामले में कि जो दो संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए थे, यूनिस साकी और मोहम्मद इमरान, उनसे इस वक्त महाराष्ट्र एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और पूछताछ के दौरान ही ये पता चला था कि इन दोनों के घर में सीलिंग फैन के अंदर, पाइप के अंदर कागज का एक टुकड़ा मिला है और उस कागज के टुकड़े में बम बनाने की पूरी प्रक्रिया जो है इन्होंने लिखी हुई थी। और बहुत ही बड़ी आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में ये लोग जुटे हुए थे। बता दें कि इससे पहले इन लोगों ने सातारा और सोलापुर के जंगलों में बम विस्फोट करने का ट्रायल भी किया था। तो रोजाना इस मामले में आप देखें कि नए नए खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस की टीम लगातार जो है इन दोनों संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। इससे पहले कल हमने बताया था कि किस तरीके से जो दक्षिण मुंबई के कृष्णा, देखना ये होगा कि ये दो आतंकी, इनके तार कहां कहां से जुड़े हैं, कहां कहां तक इनकी जड़ें फैली हैं, इन तमाम चीजों पर खुलासे लगातार हो रहे हैं। शुक्रिया कृष्णा जानकारी के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।